स्टार्ट हो गया हो गया। 8 सेकंड हो गया। अच्छा, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इट हैज बीन अ ईयर दैट आई लिव्स इन अमृतसर पंजाब, एंड आज उसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे एक साल रहने के बाद का एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे क्या मौसम का क्या सीन होता है क्या नहीं, और यहाँ के लोग कैसे हैं वगैरह वगैरह आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। पर्सनल एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको अमृतसर के ज्योग्राफिकल डिटेल्स देना चाहूँगा। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट पंजाब के एक सिटी है अमृतसर, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ 28 किलोमीटर दूर पे है, और यहाँ के लोग ज़्यादातर पंजाबी बात में बात करते हैं, और कुछ लोग जो कि बाहर से आते हैं जैसे कि ओड़िया हो गए, या फिर यूपी बिहार के लोग, या फिर उत्तराखंड के लोग, इनमें से ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो पंजाबी सीख के यहाँ पे पंजाबी में बात करते हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते हैं। ऐसा ऐसी और यहाँ की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 2011 में 11.3 लाख थे, यानी कि 11,30,000। अब तक शायद 13, 14 या 15 लाख के आसपास हो गए वो। और यहाँ पे मेरे हाथ तो नहीं आ रहा ना, नहीं मैं एक्चुअली फ़ोन पर शूट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या सीन है, इसमें क्या क्वालिटी वगैरह आता है। इसमें एक्चुअली मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वॉइस थोड़ा सा इसमें लो आता है। हाँ, तो अमृतसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमृतसर के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे कि द होली सिटी, टेम्पल सिटी, गोल्डन सिटी और अमृतसर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इसके। और यहाँ के एटमोसफियर एक्चुअली बहुत ही, मतलब दो तरीके का यहाँ पे सीजन मैक्सिमम दिखता है। एक तो है समर और एक है विंटर। बरसात का जो सीन है, रेनी सीजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है नहीं। मैंने पिछले 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया है और बारिश उतना मैंने देखा नहीं। और धूप वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंड का पूछो मत, इतना ज़्यादा ठंड लगती है इधर कि क्या बताऊँ। और मुझे पहले एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे ठंड अच्छी लगती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद गर्मी ठीक ठाक से लगने लगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो तकलीफ देता है वो है ठंडी। मतलब -1 डिग्री तक हो गया था लास्ट टाइम जब मैं था। हाँ, अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। अगर मैं कुछ डिटेल्स मिस कर दिया होगा ज्योग्राफी के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना थोड़ा सा एक बार, क्योंकि वैसे बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअली बोलता हूँ कि बाहर ना बहुत सारे नॉइज आ रहा है, टिक 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 टिक। पहले नहीं था, जैसे मैं वीडियो लेना शुरू किया तब से इधर उधर की नॉइज, किसी के एसी के नॉइज, किसी के घर के काम चल रहा है उसका नॉइज, ऐसे आने लगा, तब मेरा दिमाग उधर जा रहा है, तो मैं कुछ कुछ शायद भूल गया वैसा लगता है मुझे। तो थोड़ा आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अमृतसर, तो कुछ खास नहीं, मतलब खास अच्छा नहीं, क्योंकि ये एक साल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि यहाँ के एटमोसफियर शायद मुझे सूट नहीं कर रहा है। और पिछले एक साल में मैंने तकरीबन आप 5 to 6 times ब्लड टेस्ट कर चुका हूँ, जो जबकि मैंने अपने पिछले 27 साल का हो चुका हूँ, और 26 साल में मैंने शायद 2 या 3 बार किया होगा ब्लड टेस्ट, और यहाँ पे 5 से 6 times ऑलरेडी कर चुका हूँ। और हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही रहता है मेरे को, मतलब तबीयत के बारे में। और बात और ये भी ये कि यहाँ के पे क्योंकि बारिश नहीं होती उतना, तो पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो पूछो ही मत। मैंने होम जब से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इतना हो ज़्यादा हुआ कि मुझे इन्वर्टर लेना पड़ा। और मच्छर इसकी यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। और रेट भी यहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा है, खाने पीने से लेके रूम रेंट का बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों है मुझे, मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे आपको
ना गर्मी में शांति है ना ठंडी में, फिर भी बहुत ज्यादा मतलब रेट ज्यादा है। और मुझे एक दो भी सजेशन आया कि जगह खरीद लो यहाँ पे घर बना रहा, तो मैंने कहा भाई क्यों रहूँ इधर में, मतलब ना ठंडी में शांति से रह पाऊंगा ना गर्मी में, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा कंफर्टेबल में रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कंफर्ट चाहिए मुझे जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है। तो बहुत जल्दी ये अमृतसर शायद मैं छोड़ दूँ क्योंकि जम नहीं रहे, तबीयत जब से आया तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, मच्छर काट के मेरे हाथ गंदे कर दिए, हाय हाय हाय। ओके सो ये जगह मेरे ख्याल से उतना खास नहीं है मेरे एटलीस्ट मेरे लिए, लोग यहाँ पे रह रहे हैं 11.5 लाख लोग रह रहे हैं, मैं अकेला नहीं रहूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू मी नॉट दैट मच ओके एक्चुअली। ओके सो बात करते हैं यहाँ के भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा यहाँ पे लगता है पता क्या चीज़, यहाँ पे नेचर काफ़ी मतलब नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हर शाम को आपको यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि आपको शेयर करो, शाम को यहाँ पे सनसेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्काई सनसेट के टाइम स्काई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के जितने भी शाम के टाइम अपने आसमान के ये सीन रहता है, और बाजू में बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं तो उनके आवाज़ में भी आ रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। और एक दो पॉइंट था, हाँ ये शहर उतना बड़ा नहीं है बट फिर भी यहाँ पे ओला और जोमेटो स्विगी वगैरह काम करता है, जबकि मेरे होम टाउन अनुगुल में उतना मतलब ये सब काम नहीं करता, अनुगुल से थोड़ा जस्ट बड़ा है बट यहाँ वहाँ पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये सारे चलते हैं, पर पता नहीं आज मच्छर क्यों काट रहे इतना। और एक बात ये है यहाँ पे जस्ट मैं भूल गया, हाँ ये बात भूल गया था कि यहाँ पे गलियाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप मैं कभी एक्सप्लोर अगर करूँगा तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा गलियाँ कि आप एक गली में घुसोगे ना आपको उसके अंदर 5 गली दिखेंगे, इवन एक एक जगह पे ऐसा है कि आपको लगा कि वहाँ पे रास्ता ख़त्म है, लेकिन छोटे से एकदम इतू से मतलब जगह मिल जाएगी आपको दूसरे गली में जाने के लिए, मतलब हर गली में आपको 100 गलियाँ मिलेंगी इधर हर जगह पर। और आपको अगर मैं आपको एक सेकेंड में आपको बताता हूँ अमृतसर का जो मैप व्यू है आपको अभी शेयर करता हूँ, ये देखो सो देख रहे हो जितना भी है ये सारा का सारा गलियाँ हैं, ये इंटरनेट को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है पता नहीं मेरा। हाँ ये देखो कितने सारे गली खाली हर जगह पर, ये जितने सारे लाइंस दिख रहे हैं सारे के सारे गलियाँ हैं, हर जगह पे गली, कुछ कुछ ऐसे गलियाँ हैं तो जहाँ पे लाइन भी नहीं बनी है, मतलब ये पूरा अमृतसर देख रहे हो जहाँ पे भी जाओगे वो गली मिलेगी, ठीक है, अरे इतना ज़्यादा गली है क्या बताएंगे, क्या बताएं आपको, ये इंटरनेट क्या हो गया इतना स्लो क्यों चल रहा है, अच्छा अपलोड का टाइम नहीं हो जाए सो स्लो है, देखो हर जगह पे गली आपको जहाँ पे जाओगे वहाँ पे गली मिलेगी, ठीक है। सो इतने सारे गली हैं, मैं तो बहुत सारे बस एक दो जगह रास्ता मुझे मालूम है, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ उसी रास्ते से आता हूँ जब भी बाहर जाना होता है आना होता है, क्योंकि बाकी गली में घुसने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरी जगह पे जाके क्या करना है क्या नहीं, इतना कौन एक्सप्लोर करेगा, ठीक है अच्छा भी नहीं लगता ऐसे यहाँ पे। मैं एक्चुअली और दो चीज़ बोलना भूल गया, मतलब उस टाइम पे इतना नॉइज था कि मेरे ध्यान उधर जा रहा था, पहला ये कि अमृतसर के लोगों को वैसे पंजाब के सारे लोगों को ऐसे मैक्सिमम लोगों को खाने पीने का तो शौकीन है ही, लेकिन उसके साथ साथ नॉइज़ का बड़ा शौकीन है यार, मतलब बात अगर करें बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज़ में बात करने की या फिर ऐसे फुर 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 आवाज़ करने वाले बाइक हो जैसे कि बुलेट यहाँ पे बोलते हैं बुलेट, ठीक है वो की मतलब एक तो बुलेट की आवाज़ इतनी मतलब ज़्यादा होती है, ऊपर से पता नहीं क्या करते रहते इतना और शोर करता है, ऊपर से फटाखा फोड़ फोड़ के जाते हैं जो कि मुझे बहुत इरीटेट करता है, पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या शौक चढ़ा है कि फटाखे फोड़ रहे घड़ी में भाई, मतलब मैंने तो इवन ये भी देखा है लोग स्प्लेंडर पे मॉडिफाई करके अपने आवाज़ को इतना ज़्यादा कर रखे हैं ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। और सेकेंड बात ये है कि
मुझे कभी आज तक नहीं, 1 साल पहले तक मुझे कभी भी टाइफाइड नहीं हुआ था, लेकिन ये 1 साल में 2 बार ऑलरेडी हो चुके थे, टाइफाइड हो चुका है मुझे, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और एक बात ये है कि मैंने कभी भी अपने पूरे 27 साल के उम्र, मतलब एज में 26 साल तक एक सलाइन सलाइन बदल बोतल नहीं लिया था। ये फ्लो पता है क्यों आ रहे हैं सलाइन? क्योंकि यहाँ पे रह के लैंग्वेज पर एकदम बिगड़े गए, ठीक है यहाँ की छोड़ो। तो सलाइन कभी भी नहीं लिया मैंने, लेकिन इस बार लेना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा वीकनेस बढ़ गया था कि आई हार्ट टू। यही बात थी और बस यही था आज का वीडियो और अबाउट अमित सर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लो, और कोई सजेशन है तो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो यार। मतलब अब तक क्या बताऊं, मतलब 2.5 साल हो चुका है अपने चैनल को, लेकिन अब तक 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए यार। क्या है? वीडियो तो डाल रहा हूँ मैं, 120 के ऊपर वीडियो हो गए, पर कर दो यार सब्सक्राइब। जितने भी बंदे कर रहे हैं अगर वीडियो, मतलब अब तक यहाँ पे देखे हो, और सब्सक्राइब मारो यार प्लीज, ठीक है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड डू नथिंग।